अभी हम सुबह सुबह घूमने आए हैं, तो पास में बताया जा रहा है वहाँ पे बिजली का तार गिरा हुआ है 11,000, जिस वजह से एक कोई फॉक्स या कोई जानवर मरा हुआ है लोग कह रहे हैं। तो अभी हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कुत्ते हैं, तो वो आगे अगर चले गए तो उनको चोट लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो उस वजह से हम यहीं पे थोड़ी देर वेट कर रहे हैं और हमने कॉल कर दिया है जिससे कि लाइट कटवा दिया जाए। लाइट कटते ही हम आगे की ओर आगे जाएंगे और देखेंगे कौन सा जानवर मरा हुआ, अगर उसकी जान बची होगी तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। कोई भी डॉग मानने को नहीं है जो हम आगे तक जा पाए, उस वजह से हमें वेट करना पड़ रहा है। बस पास में ही है वो 11,000 और डॉग को कितना बहलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कहीं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये मेरे पीछे ही भाग रहे हैं सबके सब डॉग। और हम कोई चैन वैन भी नहीं लेके आए हैं जिससे कि हम इसे पहना सके। हम डॉग को छोड़ के आए हैं घर, तब आए हैं हम यहाँ पे, तो देख रहे हैं फाइनली फॉक्स ही मरा हुआ है यहाँ पे और 11,000 का तार गिरा हुआ है और काफ़ी देर से यहाँ पे बिजली यूं ही चल रहा है, लेकिन कोई बिजली विभाग को कॉल भी नहीं कर रहा था जो लाइट काट दे। और सड़क क्रॉस कर रहा है ये 11,000। बाय द वे, अगर कोई अगर गलती से भी इधर से जा रहा है तो उस इंसान की मौत हो सकती है। और यहाँ घास में भी आग लगा हुआ है, देख सकते हो बिल्कुल, मतलब बुरा हाल क्या आप हो लोगों रहा। को पता है हम लोग बिहार में इस वक्त वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास जाल और लोगों को अवेयरनेस करना। इसके साथ साथ हमें हमारे पास एक और नया चैलेंज आता है जो कि हमें बचाना है जानवर को हर तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। सुबह आया था तो यहाँ पे ये 11,000 का तार है जो कि महज 12 फुट की ऊंचाई पे है, जो अमूमन होना नहीं चाहिए इतनी ऊंचाई पे, है ना। और उसके वजह से ये फॉक्स बेचारी जो कि पता नहीं कितने दिनों, आई नो ये शायद 6 महीने साल भर का मेल है ये, और ये देखिए ये कितनी बुरी मौत मरा है। बस 11,000 ये तार जो देख रहे हैं इसके गिरने के कारण इसकी मौत हुई है। और ये हमेशा 6 महीने पे ये तार गिरता है, लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो किसी इंसान का भी जान जा सकता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बराबर होता रहता है, आप ये देख सकते हो कितनी ऊंचाई है इसकी, 12 फुट की ऊंचाई पे, देख रहे हैं इन सारे जगहों पे आग लगा हुआ था। सुबह सुबह हम लोगों को रोक रहे हैं जो भाई साहब मत जाओ उधर, 11,000 गिरा हुआ। और यहाँ पे देखिए वहां पे दिख रहा होगा आपको ज्वाइंट, ये हर बार ज्वाइंट किया जाता है लेकिन ये तार को चेंज नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, जानवर मर रहे हैं, इनके लिए कोई भी फर्क नहीं। एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे टाका लगा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे टाका लगा रखा है, लेकिन ये तार चेंज नहीं हो सकता है। ख्याल नहीं आता है जो जानवर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो ये जो देख रहे हो ये तार जो जा रहा है, यहाँ पे जो ये पोल दिख रहा है ये टूटा हुआ है और इसके पास से करीबन 1-1.5 महीने से ये नया पोल लगा हुआ है, लेकिन ये पोल पे तार नहीं लग सकता है। इतने ज़्यादा ये लोग आलसी हो चुके हैं और इनके वजह से कितने सारे जाने जा रहे हैं। और इन तारों के बीच में जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे ज्वाइंट आपको दिखाई देगा ज़्यादातर जगहों पे, क्योंकि ये कहते हैं वन्य क्षेत्र है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार बिजली का तार गिर रहा है चाहे कुछ भी। और मैं आगे और दिखाना चाहता हूँ, एक आम का बगीचा है उसके आप देख सकते हो 8 फुट ऊंचा पे 11,000 का तार गया हुआ है। अगर बाकायदा अगर किसी इंसान को भी अगर लग जाए बिजली करंट तो वो भी नहीं बच सकता, जैसे ये बेचारा मरा है वैसे ही इंसान भी मरा पड़ा रहेगा। अभी इसे हम थोड़ा सा मिट्टी के नीचे दबाएंगे, उसी वजह से रुक रहे हैं। और यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रहा है, आप देख सकते हो, मैं और जो हमारे साथ एक डॉग देसी डॉग रहता है वो हमेशा हम दोनों साथ रहते हैं, तो ये मेरे साथ आया हुआ है। और फाइनली ये लोग फावड़ा लेके आ गए हैं इतने बारिश में, आदित्य फावड़ा लेके आया है, आ जा भाई आ जा। बारिश यहाँ बहुत तेज हो रहा है आप लोग देख सकते हो, इसलिए हमने खुदाई शुरू कर दिया है क्योंकि हमें फॉक्स को इसके अंदर दबा देना है, इसकी लाश हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। जगह पे हम गड्ढा कर रहे थे, हमारा डॉग उसके नीचे बैठ गया क्योंकि बारिश हो रहा है और इसका बॉडी गीला है तो इसे मिट्टी की जरूरत थी, तो इसमें ये बैठ गया। तो हम दूसरी जगह खुदाई करेंगे अभी यहाँ बगल में, नीचे से फाइनली दबा रहे हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है।